हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा प्लांट है जेड प्लांट। दोस्तों, मानसून शुरू हो गया है। अगर दोस्तों मानसून में आपके जेड प्लांट की पत्तियां पीली हो रही है या फिर आपके जेड प्लांट की जो जड़ है वह गल रही है, तो दोस्तों मानसून में अपने जेड प्लांट पे आप कौन कौन से काम करें जिससे आपका जेड प्लांट की पत्तियां पीली ना हो। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी जिसे आप अपने जेड प्लांट में देते हैं तो आपका जेड प्लांट की पत्तियां ना ही पीली होंगी और ना ही उसकी जड़ गलेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जेड प्लांट एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। आप इसे 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दिखाएं, क्योंकि दोस्तों यह गर्मियों का प्लांट है। यह तेज धूप में काफी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप ये जरूर ध्यान रखें कि ये एक आउटडोर प्लांट है। आप इसे इनडोर प्लांट समझ के अंदर ना रखें। अगर आप इसे अंदर रखते हैं तो इसे धूप ना मिलने के कारण इसकी पत्तियां मुरझाने लगेंगी और पीली भी होने लगेंगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं आप अपने जेड प्लांट की सॉइल मिक्स को कैसे तैयार करें, क्योंकि दोस्तों जितनी अच्छी इसकी सॉइल मिक्स होगी उतना ही अच्छा आपका जेड प्लांट ग्रो करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इसकी पत्तियां भी काफ़ी अच्छी, बड़ी और चमकदार होंगी। अपने जेड प्लांट की सॉइल मिक्स बनाते समय उसमें 40% गार्डन सॉइल लीजिए, 40% आप बालू लीजिए या फिर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लीजिए जो काफ़ी अच्छा होगा, और आप 20% वर्मी कंपोस्ट लीजिए। अगर आप इन सब मिक्स को तैयार करके आप अपने जेड प्लांट की मिट्टी को तैयार करते हैं तो आपके जेड प्लांट की मिट्टी में ना ही पानी रुकेगा और ना ही उसकी जड़ गलेंगी और ना ही दोस्तों उसकी जड़ों में फंगस लगेगा, जिससे आपका जेड प्लांट है वह इस तरह से हेल्दी रहेगा। उसकी पत्तियां चमकदार रहेंगी और आप देखेंगे उस जेड प्लांट की पत्तियां बड़ी बड़ी और मोटी होंगी। काफी लोग पूछते हैं कि हमारा जेड प्लांट की स्टेम है जो वो मोटी नहीं हो रही है और हमारा जो प्लांट है वो घना भी नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों आपके जेड प्लांट पे डिपेंड करता है कि वह कितना पुराना है। जैसे जैसे वह पुराना होगा प्लांट, वैसे वह मोटा होगा। आप ये कर सकते हैं, आप उसकी जितनी इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, इस तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे तो वह इस तरह से, देखिए ये स्टेम कितनी मोटी है, इतनी मोटी वो स्टेम होगी। आप घना करना चाहते हैं तो आप इसकी इस तरह से कटिंग कीजिए। कटिंग से 2 फायदे होंगे, एक तो आपका स्टेम मोटा होगा और आपका जो प्लांट है वो देखिए इस तरह से घना भी होगा। तो आप इस तरह से इसकी कटिंग भी करते रहिए। अगर आप प्लांट लगाने के शौकीन हैं या फिर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप शुरुआत जेड प्लांट से कीजिए, क्योंकि दोस्तों जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कटिंग से काफ़ी इजीली और जल्दी, मनी प्लांट से भी जल्दी ये प्लांट जो है वो ग्रो करता है। ये देखिए, मैंने कुल्हड़ में इसको लगाया है, कटिंग मैंने लगाई थी। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये ग्रो किया है और ये काफ़ी घना होने लगा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जेड प्लांट से शुरू कीजिए कटिंग लगाना। कटिंग लगाना बहुत ही इजी है इसका। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने जेड प्लांट में पानी ज़्यादा ना दें, क्योंकि दोस्तों ये पानी स्टोर करके रखता है। अगर इस प्लांट में पानी ज़्यादा हुआ तो इसकी पत्तियाँ पीली होने लगेंगी और इसकी जड़ भी वह गलने लगेंगी। तो आप इसमें ज़्यादा पानी ना दें। जब देखिए कि आप इसकी मिट्टी ऊपर से इस तरह से सूखी हुई है, ये देखिए, तब आप इसमें पानी दें जिससे आपका जेड प्लांट ना ही गलेगा। आइए बात कर लेते हैं कि आप मानसून में अपने जेड प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर डालें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं अपने जेड प्लांट में ये एलोवेरा से बना लिक्विड होममेड फर्टिलाइजर डालूंगी, क्योंकि दोस्तों ये एलोवेरा है वो काफ़ी यूजफुल है प्लांट के लिए, क्योंकि दोस्तों ये एलोवेरा एक फंगिसाइड फर्टिलाइजर और रूटीन हार्मोन का काम करता है प्लांट पे। तो दोस्तों चलिए इस एलोवेरा से एक अच्छा और कारगर लिक्विड फर्टिलाइजर बना के तैयार करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ उसमें डालेंगे ये चायपत्ती जो मैंने यूज नहीं की है, ये मैंने फ्रेश चायपत्ती ली है, क्योंकि दोस्तों चायपत्ती में नाइट्रोजन काफी अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। ये आपके जेड प्लांट की मिट्टी को एसिडिक मीडियम का बनाए रखेगा, जिससे आपका जेड प्लांट है वह काफी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। दोस्तों फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमने इसके लिए लगभग 1/2 लीटर ये पानी लिया है। और अब दोस्तों हम ये जो एलोवेरा है अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस पानी में डाल देंगे। ये देखिए, ये दोस्तों हमने ये एलोवेरा काट के इसमें मिला लिया है। अब दोस्तों हम इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच ये चायपत्ती। ये चायपत्ती हमने ले ली है, अब 1 चम्मच इसमें चायपत्ती डालेंगे और हम इसको मिला के लगभग 2 घंटे के लिए शेमी शेडी रख देंगे, जिससे एलोवेरा और चायपत्ती का मिश्रण
इस पानी में अच्छी तरह से घुल जाए और एक अच्छा और कारगर लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक घंटे के बाद। दो घंटे पूरे हो गए हैं, अब हम अपने लिक्विड फर्टिलाइजर को चेक करते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एलोवेरा की जेली ने और चायपत्ती ने काफ़ी अच्छा कलर इसमें डाल दिया है। अब चलिए हम इसको दोस्तों छान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों ये एक जार में मैंने लगभग आधा लीटर ये आधा जार के ये पानी लिया है, सिंपल पानी, और दोस्तों आधा हम ये लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें मिलाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है, जो फर्टिलाइजर के साथ साथ एक अच्छा फंगिसाइड और पेस्टिसाइड भी है जो हम अपने प्लांट में आज डालेंगे। तो ये दोस्तों मैंने ये अपने जेट प्लांट पे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। ये मैंने फर्टिलाइजर बनाया था अपने जेट प्लांट में डाल दिया है। आप इसका यूज महीने या फिर 15 दिन में करेंगे तो आपका जेट प्लांट की ना ही पत्तियां पीली होंगी ना ही उसकी जड़ी गलेंगी। तो दोस्तों अगर ये फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट में डालते हैं तो आप अपने जेट प्लांट में काफी अच्छी ग्रोथ भी देखेंगे और साथ ही साथ आप उसमें घना भी कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।